क्रेडिट कार्ड का दोस्तों अगर बात करूं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कौन सा बैंक का हमें क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो के अंदर टॉप 4 बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं, जिससे कि बहुत सारा उसमें कैशबैक आपको रिवार्ड्स मिलने वाला है। चारों क्रेडिट कार्ड से आपको 5% से भी ज्यादा का आपको कैशबैक या फिर से समझ लो कि आपको ऑफ मिलने वाला है। और आप सोच रहे होंगे भाई कि चारों का क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करने का तरीका क्या है, तो उससे भी घबराने का कोई जरूरत नहीं है। और इस वीडियो के अंदर मैं चारों क्रेडिट कार्ड का भी लिंक डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड अगर आप सोच रहे हो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, तो इस वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। और साथ में दोस्तों अच्छा खासा आपको यहाँ पे अप्रूवल भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक, जिसको बोला जाता है कैशबैक का बाप, यानी कि इसमें इतना ज्यादा कैशबैक मिलता है कि हर कोई फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को यूज करना चाहता है। तो फाइनली इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का ऑप्शन बन गया जाएगा। और दोस्तों इसको अप्लाई करने का बहुत ही आसान प्रोसीजर है, इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर अप्लाई कर सकते हो, या फिर से आपने अपना फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक ओपन कीजिए, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली सर्च बॉक्स में जाकर फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक डालेंगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा और उस वहां से अप्लाई कर सकते हो, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के टाइम में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसका क्रेडिट कार्ड का जो फिजिकली कार्ड होता है इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ रहा है, अगर अभी के टाइम में अगर अप्लाई करते हो तो। स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है, अगर आप सैलराइड हो तो 15,000 आपका मंथ का इनकम होना चाहिए, अगर आप नॉन सैलराइड हो यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका मंथ का अगर 40 से 45,000 करीब करीब अगर ट्रांजेक्शन है तो आसानी के साथ इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, एज 18+ होना चाहिए। ठीक है, नीचे में आओगे तो कुछ इसका ट्रस्टेड इसका कस्टमर दिखा देगा कि लगभग 10 लाख ट्रस्टेड यहाँ पे कस्टमर जो है इसको यूज कर रहे हैं अभी के टाइम में। तो जैसे आपको कुछ दिन पहले भी वीडियोस के अंदर बताया था कि मास्टर कार्ड ये बैन हो चुका था फ्लिपकार्ट का, तो न्यू अप्रूवल नहीं हो रहा था, लेकिन अभी होना स्टार्ट हो चुका है, वो भी वीजा कार्ड के अंदर। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई कर ले हो तो ये काफी ज्यादा कमाल का है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे देख सकते हो सैलराइड पर्सन 15,000 और सेल्फ एम्प्लॉयड 30,000 कम से कम होना चाहिए मंथली, एनुअली जो है 3.5 से 4 लाख करीब करीब होगा, तो आसानी के साथ इसको आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप अपने फ्लिपकार्ट से ही अप्लाई कर लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप क्लिक करके वीडियो को देखकर वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों सबसे टॉप 2 पे क्रेडिट कार्ड जिसको मैंने सेलेक्ट करके रखा है वो है अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड ICICI बैंक का, जो कि मेरे को काफी ज्यादा कमाल का लगा। अगर रिसेंटली मैंने वीडियोस के अंदर मैंने कवर किया था कि कैसे उसको अप्लाई करना है, और बहुत सारे लोगों का 1-1 लाख का यहाँ पे अप्रूवल मिला है, मेरे को लोग कमेंट भी किए थे। ठीक है, और उसका सिविल जो है 700+ होना चाहिए, तो इजीली आप अप्रूवल ले सकते हो। हो सकता है कि किसी रीजन से वो रिजेक्ट कर दे, वो अलग की बात है, 700 का आपका सिविल है तो आसानी के साथ उसको अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन गया जाएगा, सिंपली आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो और 5% इसमें भी कैशबैक मिलने वाला है, जैसे मैंने बताया था फ्लिपकार्ट को लेकर, इसमें भी आपको हर चीज पे 5% कैशबैक मिलेगा, अनलिमिटेड 5% कैश। इसी चीज को कंपेयर करते हुए अमेजोन ने भी लॉन्च किया है, अब है कि हर किसी को मिल रहा है, पहले किसी किसी को मिलता था, अभी हर किसी को मिल रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। और बात करें दोस्तों यहाँ पे फिजिकली कार्ड का कितना पेमेंट देना पड़ेगा, तो इसका कोई भी एनुअल फीस नहीं है, देख सकते हो कि नथिंग टू टर्म्स ज्वाइनिंग एंड एनुअल फी, वी डू नॉट चार्ज एनी ज्वाइनिंग एनुअल फी, यानी कि सालाना कोई यहाँ पे आपको खर्च नहीं करना है। इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से क्लिक कर सकते हो। तीसरा नंबर दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड मैंने सेलेक्ट करके रखा है वो है SBI का सिंपली सेव, जो क्रेडिट कार्ड है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है और कैशबैक के मामले में भी बहुत ज्यादा कमाल का है। उसको भी अगर आप 18+ हो और 15 से 20 हजार के करीब कर अगर आपका मंथली अर्निंग है तो अप्लाई कर सकते हो। इसका भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, बहुत सारे लोग अच्छा रिस्पॉन्स भी आया है, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख के आप अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि आपका फॉर्म जो है दोस्तों रिजेक्ट ना हो, ध्यान से आपको फिलअप करना है। बहुत सारे लोग करते हैं कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके रीजन से उनका अप्रूवल रिजेक्ट कर दिया जाता है और बोलते हैं कि भाई मेरा अप्लाई नहीं होता है, तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस टाइप का भी अगर चाहते हो क्रेडिट कार्ड, लाइफ स्टाइल है, शॉपिंग है, फ्यूल है, इस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई के ऊपर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। चौथा नंबर दोस्तों क्रेडिट कार्ड का अगर बात करूँ तो ये है सिटी बैंक का, फ्लिपकार्ट पे अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड, यानी इस पे भी अच्छा खासा आपको जो कैशबैक होता है वो मिलता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिटी रिवार्डेड क्रेडिट कार्ड या फिर से सिटी कैशबैक क्रेडिट कार्ड, दो ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का, सिंपली उस पर अप्लाई करके और आसानी के साथ उसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नीचे में अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें भी आपको ज्यादा चार्जेस नहीं देना है, इसमें लगभग 500 करीब करीब ज्वाइनिंग चार्जेस जो लगता है वही आपको देना पड़ेगा, उसके पास सालाना जो है उतना ही लगेगा। इसमें 30 से 35,000 के करीब करीब आपको अप्रूवल मिलता है, जिससे कि आप आसानी के साथ किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर इसको खर्च कर सकते हो। तो ये 4 जो टॉप मेरे को क्रेडिट कार्ड लगा, मैं सोचा आप सभी को बता दूं, और ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए चारों का जो एवरेज जो है कि कितना में क्या होना चाहिए कि अप्रूवल मिल जाए, तो सिंपली 15,000 तक आपका अगर कहीं सैलराइड है तो अगर आप कहीं पे भी काम करते हो तो 15,000 का ट्रांजेक्शन है, यानी 15,000 आपके अकाउंट में आता है,
किसी भी कंपनी के नाम से, तो आसानी के साथ आपको अप्रूवल मिल जाएगा। साथ में अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप जाहिर सी बात है आपको कम से कम 30 से 35 हज़ार यानी सालाना 3.5 से 4 लाख आपका ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और महीना का आपका 30 से 35 हज़ार ट्रांजेक्शन होता है तो ईजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ट्रांजेक्शन नहीं भी है और सिंपली आपका जो सिविल है 700 प्लस है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो चारों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और पूरा ए टू जेड मैं प्रोसेस बताऊँ चारों वीडियोस का। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, और चारों में से किसका आपको अप्रूवल मिला मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा, बशर्ते आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिविल है 500 400 आप बोलोगे भाई मेरा तो अप्लाई ही नहीं हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।